हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया। वेलकम टू माय न्यू चैनल चाय विद सुप्रिया। सो आदित्य सरपोतदार की डायरेक्शन बनी मुंजा मूवी का फाइनली ट्रेलर आ चुका है। सो मूवी में हमें अभय वर्मा के साथ शर्वरी वाघ और सत्यराज भी नज़र आने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के पहले देख लेते हैं मुंजा मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर वीडियो, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। चटकवाड़ी श्रापित है वो जगह और वो पेड़ भी जहां मुंजा की अस्थियां गड़ी है। कहते हैं किसी मुन्नी से वो शादी करना चाहता था पर उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। उसी दिन से इंतजार में है वो अपने वंशज के, जब वो मुक्त होगा और पूरी करेगा अपनी आखिरी इच्छा। चरस फूकने लगा है तू, हुआ क्या है तुझे? सनसेट के टाइम पे आता है, तुझे नहीं दिखेगा, सिर्फ मुझे ही दिखता है। क्या चाहिए उसे? उसको शादी करने का है किसी मुन्नी से। Are you sure you're not on drugs? तुम्हारा मुझे को ये थम बढ़ाई, लेकिन इसका चार्ज एक्स्ट्रा। साला माधर नंदन, मुन्नी हमारे गांव की है। उस गांव नहीं जाना। तब तक रोकोगे उसे? भूल गए क्या, पिछली बार गए तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? काला जादू। सर, नरबली। हमारे पास वक्त बहुत कम है दोस्तों। छोड़ दे उसे वरना। वरना क्या करेगी? सबर सर, सबर सबर का फल मीठा होता है। तेरे गुलाब जाम मीठे होंगे, खाओ। सो अच्छा है ट्रेलर, और ट्रेलर में हॉरर के साथ ही कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिल रहा है। सो ट्रेलर में चेटुकवाड़ी जगह की स्टोरी दिखाई गई है, जो एक शापित जगह है और वहाँ मुंजा की अस्थियाँ गड़ी हुई है। सो ट्रेलर देखे पता चलता है कि मुंजा किसी मुन्नी नाम की लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन शादी से पहले ही उसकी मौत हो जाती है और उसकी इच्छा अधूरी रह जाती है। अब वो मरने के बाद भी अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। और मुंजा की खास बात ये है कि वो अक्सर सनसेट के बाद ही आता है। सो ट्रेलर में मुंजा की ज़बरदस्त कहर देखने को मिल रहा है। क्या मुंजा और मुन्नी की प्रेम कहानी पूरी हो पाएगी और वो क्या मुन्नी से शादी कर पाएगा, ये मूवी रिलीज़ होने पर पता चल ही जाएगा। सो मुंजा मूवी 7 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मिलते हैं फिर से एक नए ट्रेलर टीजर वीडियो के साथ। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नेक्स्ट रिएक्शन किस वीडियो पे बनाए भी कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके बाय।